बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे अपने परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज चर्चा थोड़ा हम लोग विस्तार से और बहुत ही मार्मिक और आपको एक एक जो संशय है शायद उसको खत्म करने वाला आज का यह कार्यक्रम रहेगा। देखिए हम यहाँ पर सिर्फ आपको डेट वाइज मुहूर्त जो होते हैं हम उसकी जानकारी तो आपको देते ही हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक एक डेट हम जो आपको दे रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं। मान लो किसी का भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, आपको 1 जनवरी का उदाहरण के तौर पर मुहूर्त बता दिया, लेकिन 1 जनवरी को मुहूर्त है या नहीं और अगर है तो सही है या गलत है यह आप कैसे जांच करेंगे। या जिस महीने का आपको मुहूर्त बताया जा रहा है वह महीना मुहूर्त के लिए चिन्हित है या नहीं। यह बहुत सारी भ्रांतियां होती है कि चैत्र के महीने में करें ना करें, पौष के महीने में करें ना करें, या फिर दीपावली में गृह प्रवेश करना शुभ होता है या पहला त्योहार दीपावली होना शुभ होता है, पहला त्योहार होली नहीं होना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपको तमाम बहुत सारे जो प्रश्न हैं उसका सॉल्यूशन यहां पर मिलेगा और आप सही रूप में मुहूर्त कैसे निकालें, मुहूर्त की जानकारी आपको हो पाएगी, वो आज मेरे हिसाब से आज के कार्यक्रम में सार्थक रहेगा। ये आज की जो चर्चा है हम लोग फटाफट सीधे अपने प्रश्न पर आए, अपने टॉपिक पर चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, यदि आप नए दर्शक हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको इसी प्रकार से जो संशय छेदन करने वाले जो कार्यक्रम है वो एपिसोड आपको मिल सके। अब मैं यहां पर थोड़ा सा सीरियल से बात करूंगा। देखिए सबसे पहले जहां मैं आपको प्रत्येक महीने के हिसाब से गृह प्रवेश का मुहूर्त बता रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे हर अलग अलग चैप्टर के, कुंडली मिलान, कुंडली से संबंधित चर्चाएं या फिर मुहूर्त या फिर 12 महीने में मुहूर्त, इसके लिए अलग से एक लेसन है, आप उसको चेक कर सकते हैं और उसमें अलग 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 महीने के हिसाब से मैं आपको मुहूर्त बता रहा हूं। अब सबसे पहले हम इस चीज को समझ लें कि जब हम ग्रह प्रवेश मुहूर्त की बात कर रहे हो तब ग्रह प्रवेश मुहूर्त के लिए कौन कौन से महीने श्रेष्ठ माने जाते हैं अथवा कौन से नक्षत्र, कौन से बार, कौन सी तिथि इसके लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, मैं यहां पर आपको यह भी विस्तार से बताऊं। देखिए यहां पर मैं आपको अलग अलग जितने भी यहां पर जो ग्रंथ हैं मुहूर्त के, मैं अपनी पर्सनल बात नहीं करूंगा, शास्त्रोक्त शास्त्र के हिसाब से जो प्रमाण यहां पर है उसकी ए टू जेड जानकारी जो है मैं आपको देने वाला। यहां पर मुहूर्त चिंतामणि हो, मुहूर्त कल्पद्रम हो या परंपरागत मुहूर्त हो, जितने भी मुहूर्त के एक साथ जो जो इसके प्रमाण हैं वो यहां पर बता रहे हैं कि कौन से महीने के अंदर ग्रह प्रवेश शुभ होगा। अलग अलग महीनों की जानकारी के साथ मैं यहां पर एक श्लोक 2 पंक्ति का है उसको आपको बता रहा हूं, उसके बाद लगभग लगभग इसी प्रकार से हर पुस्तक के अंदर, हर मुहूर्त के अंदर, मुहूर्त शास्त्र के अंदर यह बताया गया है कि कौन से महीने में ग्रह प्रवेश शुभ है। यहां पे का माघे अर्थ लाभ प्रथमे प्रवेशे पुत्रार्थ लाभ खलु फाल्गुने च चैत्र चैत्रथे अर्थानि धन धान्य लाभो वैशाख्य मासे पशुपुत्र लाभ ज्येष्ठे च मासेषु परेषु नूनम हानि प्रद सत्वभय प्रदश्च। बहुत संक्षिप्त में इसका अर्थ हम समझ लें। यहां पे का माघे अर्थ लाभ, अगर माघ के महीने में गृह प्रवेश करते हैं तो धन का लाभ होता है, अर्थ का लाभ होता है, यानी स्पष्ट हो गया कि माघ का महीना गृह प्रवेश के लिए श्रेष्ठ माना गया। दूसरा यहां पे कहा माघ के अलावा प्रथमे प्रवेश ही पुत्र तलाभ खरु फाल्गुने च, अगर हम फाल्गुन के महीने में करते हैं तो पुत्र पुत्रार्थ और धन का लाभ दोनों हमें इसमें मिलते हैं, जबकि चैत्र थे अर्थहानि, चैत्र के अंदर यहां पर धन हानि का योग लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से पौष के महीने में भी शुभ नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें यह भी कारण है कि इन दोनों महीने के अंदर सूर्य
खरमास में, खरमास लग जाता है, सूर्य धनु और मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए मैं पिछले कार्यक्रमों के माध्यम से उसको भी स्पष्ट कर चुका हूं कि इन महीनों में ग्रह प्रवेश का मुहूर्त नहीं बनता है। वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ, वैशाख के महीने में भी यहां पर पुत्र और पशु आदि का लाभ, धन धान्य का लाभ यहां पर बताया गया है। ज्येष्ठेषु मासेषु परेषु नूनम, अर्थात ये चार महीने जो हैं यहां पर शुभ बताए गए। अब हम वैशाख के महीने की बात करते हैं। अगर वैशाख के महीने में ग्रह प्रवेश करना है तो वैशाख का महीना जो है वो कैसा है? 12 महीनों के प्रत्येक अलग अलग कार्यक्रम, 12 एपिसोड 12 महीनों के लिए मैंने आपको बनाए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रत्न रुद्राक्ष की जानकारी हो, ग्रह प्रवेश के नियम की जानकारी हो, या फिर हमारे घर में वास्तु का दोष है, प्रत्येक दिशाओं का जो फल है, प्रत्येक दिशा में कौन सी चीजें बननी चाहिए कौन सी नहीं बननी चाहिए, अगर उस दिशा के अंदर दोष है, कोई गलत चीज बनी हुई है, तो उसका उपाय कैसे करें बिना तोड़ फोड़ के, ये सारी जानकारी आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं। अब हम जब यहां पर वैशाख के महीने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको जो श्लोक बता रहा था उसमें स्पष्ट है, वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ, यानी वैशाख के महीने में ग्रह प्रवेश, उन चार महीनों के अंदर ग्रह प्रवेश के चार महीनों के अंदर वह मास आता है वैशाख का, जो श्रेष्ठ महीने। अब जो मैं नियम आपको बता रहा हूं कौन सी तिथि नक्षत्र बार आदि को हमें इसमें स्वीकार करना है, यानी कि हमारा महीना तो वैशाख का, तिथि हमारी रिक्तता ले ली हमने, तो हमें क्या करना है? दो चीजें पहले मैं आपको यहां पर बता दूं। सबसे पहले तो अपने राशि पर चंद्रमा की अनुकूलता उस दिन को देखें, आपकी राशि से चंद्र कुंडली बनाएं, आपकी राशि से चंद्रमा उस दिन आठवें नहीं होने चाहिए, बारहवें नहीं होना चाहिए और चौथे चंद्रमा नहीं होने चाहिए, बाकी चंद्रमा शुभ होगा। उस दिन का पर्टिकुलर लग्न आप तय करें कि किस लग्न में आप जो ग्रह प्रवेश करने का जो एक प्रोसेस उसको जो आप फॉलो करेंगे, उसके लिए एक निश्चित लग्न निकालें जो कि स्त्री लग्न होना चाहिए, या सिंह लग्न में करें, वृषभ में करें, या फिर वृश्चिक में करें, या कुंभ लग्न में करें। आपको चर लग्न के अंदर बिल्कुल भी ग्रह प्रवेश नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, क्रूर वारों से बचें। रवि और मंगल विशेषकर ग्रह प्रवेश के लिए अशुभ माना गया है, दो वारों के अंदर बिल्कुल नहीं करना है। तिथियों में बात करें तो रिक्ता तिथि और अमावस्या, इस तिथि को बिल्कुल नहीं करना है, समझ रहे हैं? कई लोग कहते हैं हाँ जी इस तिथि कर ले, इस दिन कर ले, भाई उस दिन रिक्ता तिथि है फिर कैसे कर लो? कई लोग कहते हैं गणेश चतुर्थी में कर लें, हाँ जी नवरात्रि की नवमी है उस दिन कर लें, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, चाहे वो नवरात्रि की नवमी क्यों ना, समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए इस हिसाब से नहीं दे सकते कि हाँ जी नवरात्रि चल रही है, शिवरात्रि चल रही है, सूत्र ये फॉलो होगा वहां पे। दूसरा, नक्षत्रों की बात करें तो स्त्री संज्ञक नक्षत्र, मृदु संज्ञक नक्षत्र, इन नक्षत्रों के अंदर प्रवेश करना। आशा करता हूं जो आज का कार्यक्रम था वो आप सबके लिए काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ यदि ग्रह प्रवेश के नियम हो या ग्रह प्रवेश के संबंधित मुहूर्त के नियम हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसके माध्यम से चेक कर सकते हैं।